हेलो दोस्तों, मैं अजय। आप देख रहे क्लास रूम टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं किस तरह से आप अपने आर एच एल 8 पर सिंपल तरीके से एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं और यदि आप VMware में इसको इंस्टॉल आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं सेटिंग को कर देता हूं। तो मैं अपने VMware के सेटिंग में फर्स्ट चला जाता हूं। VMware के जो आपका जो यहां पे जो आपका आइकॉन दिखाई देगा, आपको राइट क्लिक करना है। करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों, आप देख रहे CD जो लिखा हुआ है आपका, CD DVD SATA, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। कलेक्ट करने का तो आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद जो आपका आईओएस रहेगा उसको फिर से क्लिक करके आपको उसको ओके कर देना है। जो यूजर फिजिकल सिस्टम में करेंगे उनके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका माउंटेड रहता है DVD। दोस्तों, फर्स्ट बताते हैं ये जो लिनक्स में रिपोजिटरी क्या है और क्यों इसका यूज करते हैं। तो लिनक्स रिपोजिटरी एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ से आपका सिस्टम OS अपडेट और इंस्टॉलेशन अपने हिसाब से लेता रहता है। तो जिस RHEL 7 में जो था पहले सिर्फ एक रिपोजिटरी हुआ करता था, बट RHEL 8 में दो रिपोजिटरी दिया गया। एक है बेस OS और दूसरा है एप्लीकेशन स्ट्रीम और एप स्ट्रीम। तो दोनों में अंतर क्या है? जो बेस OS रिपोजिटरी है उसमें OS इंस्टॉलेशन पैकेज, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पैकेजेस के डिपेंडेंसीज पैकेजेस होंगे, और इसका जो लोकेशन होगा वो होगा MNT बेस OS। और जो सेकेंड आता है दोस्तों, एप स्ट्रीम या एप्लीकेशन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो भी जितने सारे आखिरी बचे हुए पैकेजेस होंगे वो सारे चीज इसमें होंगे, जैसे MariaDB आपका हो गया, Veeam हो गया, और इस तरह से कई सारे OS है जिसका जो डिपेंडेंसीज जो पैकेजेस है वो सारे इसमें रहेंगे। और इसका जो लोकेशन होता है वो होता है MNT App Steam। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और किस तरह से इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका जो फर्स्ट कमांड है, हम इसको माउंट करेंगे ISO को। तो चलिए माउंट करने का कमांड कौन सा हम चेक कर लेते हैं। MOUNT माउंट कर लिखना है। माउंट करने के बाद -o देना है, फिर LOOP लूप लिखना है। लूप लिखने के बाद आपको dev लिखना है, dev SR0। देने के बाद जो मेरा MNT में माउंट करना है, MNT को टाइप दे देते हैं। आप देख सकते हैं मेरा माउंट हो चुका है। और एक डायरेक्टरी बनाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है जो मेरा डायरेक्टरी बनाएंगे, जिसमें जो मेरा IOC है उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो चलिए मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। डायरेक्टरी का नाम मैं देता हूँ MKDIR RHEL8/DVD। मैं इस नाम से एक अपना एक डायरेक्टरी बना लिया। अब चलिए डायरेक्टरी बनाने के बाद जो मैंने माउंट किया था MNT में, तो हम MNT में फर्स्ट चलते हैं। MNT में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने माउंट किया था वो सारा पैकेजेस एप स्ट्रीम से लेके बेस OS से लेके सारा चीज़ मेरे यहाँ पे इंक्लूड है, वो आ चुका ऑलरेडी। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहीं से इसको जो डायरेक्टरी मेरा जो मैंने बनाया था इसमें मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक बैकअप लेकर कर रहा हूँ। तो कमांड जो मेरा है आपको ध्यान देना है, CP स्पेस -AVR स्पेस स्टार देना है। स्टार देने के बाद आपको स्लैश देके RHEL8 जो मेरा DVD बनाया था उसको आपको लिखना है। अब फिर से देख लीजिए, आपको माउंट करना है फर्स्ट MNT के भीतर, देन आपको एक डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी बनाने के बाद जो मैंने माउंट किया था MNT को, MNT में जाने के बाद इसको चेक कर लेंगे कि क्या मेरा वो माउंट जो किए थे वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। देन होने के बाद CP करके AVR स्पेस स्टार स्पेस RHEL8 जो डायरेक्टरी था, मैं सारा ISO अपना जो है मैं उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। तो चलिए एंटर करते हैं, इसके लिए कुछ वक्त लगता है दोस्तों। तो चलिए मेरा कॉपी हो चुका है दोस्तों। अब हम जो नेक्स्ट कमांड है मेरा, जो EM की जो रिपोजिटरी होती है जिसकी जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो आप वहाँ पे हम चले जाते हैं फर्स्ट CD करके। चलिए इसको हम बाहर आ जाते पहले। तो CD/etc/em.repos.t हम इसमें चले जाते हैं। इसमें शायद कुछ एक रिपो है, रेड हैट का रिपो। तो हम क्या करते हैं, इसको मुझे ज़रूरत नहीं फिलहाल, तो मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ। इसको जो मेरे हमारे जो टेम्पररी फाइल है, मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें उसको मूव कर देता हूँ। तो MV करके रेड हैट को मैं /TMP में इसको मूव कर देता हूँ। अब सद नहीं है जो हमारी लोकल रिपोजिटरी है, चलिए हम उसको पहले क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो रिपोजिटरी था जो डिफॉल्ट जिसका लोकेशन है, मैं उस लोकेशन पे अभी फिलहाल हूँ, em.repos.d। तो चलिए यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना देते हैं जिसके लिए मैंने क्रिएट एक सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है।
तो चलिए जो मैं वीम देता हूँ, वीम में अपना रिपो का नाम कुछ भी दे देता हूँ, rhel8.repo मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। मेंशन करने के बाद चलिए इसको कॉन्फ़िगरेशन में करता हूँ, करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ किस तरह से और क्या करना है। तो चलिए दोस्तों मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, हम आपको दिखा देते हैं कि मैंने इसमें क्या किया है। तो फर्स्ट बात आती है दोस्तों RHEL, ये जो आप देख रहे हैं नेम ऑफ द सेक्शन, मैंने अपना नेम ऑफ द सेक्शन में मैंने RHEL8 बेस OS लिखा है। नेम आता है नेम ऑफ द रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी मेरा नाम है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आता है बेस URL जहाँ पे मेरा जो ISO का जो सोर्स है, लोकेशन ऑफ द पैकेज, वो इस लोकेशन में मेरा रखा हुआ है। देन आता है जो मेरा रिपोजिटरी इनेबल मोड है कि डिसेबल मोड, वन से इनेबल होता है और डिसेबल करने के लिए जीरो देना पड़ता है। फिर आता है GPG चेक जिसको मैंने 1 दिया है, क्योंकि जब भी इंस्टॉल करें सिक्योर मोड में इंस्टॉल करें। ये है दोस्तों आपका लोकेशन ऑफ द की, ये मेरा की का लोकेशन है, इस लोकेशन में मेरा जो RHEL8 का जो की रखा हुआ है। तो जो मैंने इस तरह से इसको कॉन्फ़िगरेशन किया है, दोनों ही सेम है कॉन्फ़िगरेशन, बस यहाँ पे बेस OS है और यहाँ पे FST में। आप देख लीजिएगा, पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट कमांड जो है clean all कर लेते हैं। इसको करने के बाद हम इसको हम रिपोलिश कर लेते हैं, repolished all। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो रिपोजिटरी था वो इनेबल हो चुका है, वो यहाँ पे इनेबल मोड मेरा शो कर रहा है। देन चलिए एक पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ चेक करने के लिए कि वाकई में सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए install httpd, तो मैं httpd को ही मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मेरा इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो मैंने जो रिपोजिटरी बनाया है लोकल रिपोजिटरी, वो सक्सेसफुली मेरा क्रिएट हो चुका है और इंस्टॉल हो चुका है httpd सर्वर भी मेरा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।